नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा दंगों की। बता दें कि हरियाणा में हुए दंगों और हिंसा के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है, जहां यमुनानगर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो हरियाणा के नूह की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला सचिवालय पर विभिन्न धार्मिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नूह में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि देश की संपत्ति और देश में भाईचारा का नुकसान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में साधु संतों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान साधु संतों और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने जिला सचिवालय में ही हनुमान चालीसा का संयुक्त रूप से पाठ किया और भगत सिंह झांसी की रानी बाई की गाथा भी सुनाई। तो नूह में हुई हिंसा के बाद फरीदाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने उपद्रवियों को भी पकड़ लिया है। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नूह हिंसा के बाद भी तनाव की स्थिति है, तो वहीं पुलिस ने लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। बल्लभगढ़ में पुलिस ने उपद्रवियों की कोशिश करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि बल्लभगढ़ में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, जहां पुलिस की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 8 से 10 युवकों को मौके से हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सभी युवकों की उम्र 15 से 23 साल के बीच की है। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की, जहां हरियाणा के हिंसा के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर की नीति अपनाने का फैसला लेने को कहा है। तो हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा के बाद फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके बाद भी कई जगह स्थिति तनावपूर्ण है। बता दें कि फरीदाबाद में सभी धार्मिक संगठनों ने मिलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम SDM बल्लभगढ़ को ज्ञापन सौंपा है और हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। साथ ही ब्रज मंडल यात्रा पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही बल्कि अब हरियाणा में भी बुलडोजर चलने की बात कही गई है, जिसको लेकर सभी धार्मिक संगठनों ने हरियाणा में भी कार्रवाई के तौर पर उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर की नीति अपनाने की मांग की है। इस सुनियोजित तरीके से मुस्लिम पक्ष ने हमारे संगठन कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और हम ज्ञापन के माध्यम से ये चाहते हैं कि पूरे नूह क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में बुलडोजर चलाए जाए और इनको तहस नहस करके और पूरी कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये हिंदू समाज की मजबूरी होगी, वो खुद खड़ा होगा बुलडोजर। ये हिंदू समाज एक दिन जाके वहाँ चलाएगा। हमारी तरफ उन्हें तो अभी कोई सिर्फ लिया है, कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन और RWAs की तरफ से कुछ लोग जो नूह में ये घटना घटी है उसके विरोध में आज ज्ञापन देने आए हैं। उन सभी का ज्ञापन स्वीकार किया है और सरकार को भी भेज दिया जाएगा। सर, कोई पर्टिकुलर मांग भी ज्ञापन नहीं? वो तो ज्ञापन के माध्यम से तो वही है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और मेवात में जो ये दुखदपूर्ण घटना घटी है वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और वो जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर में सुरक्षा बल और क्या व्यवस्था है? मैं SCP बल्लभगढ़ हूँ और अभी SDM बल्लभगढ़ सर के साथ भी और SCP क्राइम और जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनके साथ जो है, जब से ये सामने चीज आई है मेवात की तो तब से ही हम जो है यहाँ पर गश्त की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि इस समय पर जो अफवाहें खास तौर पे होती हैं जिस करके माहौल ख़राब होता है तो उसके अंदर इसको अहमियत समझते हुए जब भी कोई मौके से बात आए तो वहाँ तुरंत पहुँचें, जो भी जैसी चीज़ हो उसको काबू करें। कोई ऐसी चीज़ हो जो आगे सीनियर अधिकारियों तक पहुँचाई जाए तो वहाँ पहुँचाई जाए, तो उसी के मद्देनज़र जो यहाँ पर पर्याप्त जो हमारी पुलिस फोर्स है एक्स्ट्रा फोर्स भी हमें अवेलेबल कराई गई है। बाकी जो हैं कुछ गाड़ियाँ जो हैं हमारी जो डायल 112 हैं उनकी तरफ से भी जो। तो ब्रिटेन में बात जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां SDM ज्योति के जैसा एक और मामला सामने आया है। बता दें कि जांजगीर चांपा में आंगनबाड़ी सहायिका बनते ही एक युवती ने अपने पति को छोड़ दिया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी SDM ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है।
जिले के नावगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली आंगनबाड़ी सहायिका अपने पति और दो बच्चे को छोड़कर गांव के एक युवक के साथ भाग गई है। युवक ने अपनी पत्नी के भाग जाने के मामले में कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और अपनी पत्नी के साथ युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने नवागढ़ थाना इलाके के प्रभारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल नवागढ़ थाना क्षेत्र के केरा गांव का रहने वाला अरुण कुमार बंजारे अपनी पत्नी की बेवफाई और पड़ोसी युवक के साथ भागने के मामले में शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने अपनी पीड़ा पुलिस अधिकारियों को बताई, जहां पीड़ित अरुण कुमार बंजारे का ने बताया है कि उसके शादी गांव के ही रहने वाली अनीता से साल 2010 में हुई थी, जहां उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। अरुण रोजी रोटी मजदूरी करके अपनी पत्नी को नौकरी के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उसने साल 2016 में ही आंगनबाड़ी सहायक के पद से चयन हुआ, जिसके बाद पति पत्नी मिलकर बच्चों के साथ रह रहे थे। पति ने बताया कि अचानक 21 जुलाई 2023 को उसकी पत्नी ड्यूटी जाने के नाम पर निकली और फिर वापस नहीं लौटी है। ग्राम केलक निवासी हैं, मोर घर वाली है और दूसरे साथ भाग गए हैं। मैं कल ये आवेदन ले मैं कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं, जो कि मोर घर वाली है सहायिका पदमा पदस्थ है वह ओला रोजी मजदूरी कर कुरा को नौकरी लगवा रहे हैं। मैं आज हम बोला छोड़ के चल दी दूसरे साथ में हवा भी तो लिए मैं कार्रवाई चाहता हूँ। वो कल कलेक्टर ऑफिस भी आ रहे हैं और कोई कार्यालय में आवेदन भी दें तो नाबालिग। तो बेटे में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री से गैस रिसाव का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो यमुनानगर के रादौर के गांव बापौली में करीब एक साल से बंद पड़ी मुरलीधर केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जहां मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और बाद में मिट्टी और रेत की सहायता से लीकेज को बंद किया गया। जानकारी के मुताबिक गांव बापौली के ग्रामीणों ने बताया कि इस केमिकल फैक्ट्री को प्रशासन की ओर से सील किया गया है, जहां सील की गई फैक्ट्री में कुछ दिन पहले जहरीली गैस निकलनी शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये गैस बढ़ती गई, जिसके बाद भारी मात्रा में गैस निकलती रही, जहां प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव को ठीक किया और बंद कर दिया। यहाँ 11 वार्ड से लेके 22 वार्ड तक का कूड़ा यहाँ गिरने लग गया। पहले औरंगाबाद और कैल गिरता था, अब हमारे यहाँ 12 नंबर वार्ड में इसको गिराना शुरू कर दिया, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है और यहाँ बारिश के टाइम में इतनी बदबू हो जाती है कि यहाँ से गुजरना भी भारी हो जाता है। और पास में जैसे कुष्ठ आश्रम है, आप थोड़ा कैमरा मार करके, वो बेचारे पहले कुष्ठ रोगी है और उनसे तो बीमारियों का पूरा असर पड़ेगा। और आप देखिए कुष्ठ आश्रम वाले भी परेशान है और यहाँ से जितनी पब्लिक निकलती है सब नाक पे हाथ रख के निकलते हैं। तो ऐसा 10 करोड़ का ठेका था, 15 करोड़ में दिया सुना जा रहा है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, यह 10 करोड़ का ठेका था, लगभग 2594 रुपए 2600 रुपए मान लो, 2594 का 2600 मान लो, 2600 रुपए पर टन के हिसाब से कूड़े का ठेका है और 136 टन लगभग ये मतलब 30-1 लाख रुपए बैठते हैं महीने उसके जो है और एक महीने का इनका कम से कम 1 करोड़ रुपए का बिल बनता है, जबकि 12 से 22 वार्ड में आप ये लगा लो एक वार्ड का अगर हम खर्चा निकाल लें 4 से 5 लाख रुपए है, तो 12 वार्ड को 5 से आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से कर लो, मैं तो कहता हूँ नहीं गिरना चाहिए कूड़ा। अभी शिकायत आई थी यहाँ पे मेरे को, अभी यहाँ पे 2-3 दिन हुए आए हुए, तो मैंने देखा यहाँ पे काफी गंदगी है, लोग परेशान है, एमसी भी यही मांगा यहाँ पे कूड़ा ना डाला जाए, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे ठेकेदार को बुलाया यहाँ पे और इसका जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा और दोबारा यहाँ पे इतनी वो गंदगी नहीं दिखाई देगी। तो बेटे में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहाँ सड़क पर पड़े कूड़े के अंबार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यमुनानगर नगर जगाधरी नगर निगम की तरफ से शहर में उठाए जाने वाले कचरे को खजूरी रोड पर गिराए जाने से फैली बदबू ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मेयर और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सड़क के बीचों बीच सारे कार्यकर्ता बैठ गए, तो वहीं मौके पर पहुंचे चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर ने लोगों को कूड़े के ढेर से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पार्षद ने भी आश्वासन के बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। सरकार 30 तारीख को जो लगभग 3 बजे सुबह जो पर्वतीय काली मंदिर के प्रांगण में
मुहर्रम के जुलूस को भी जो तालिया जुलूस निकला था मुहर्रम के अवसर पर, उसमें शामिल द्रवी तत्वों के द्वारा जो काली मंदिर में तोड़फोड़ किया गया और पिंडी पर जो पथराव किया गया, उस पथराव में शामिल लोगों को उपद्रवी तत्वों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक तो इस बार पूरे ताजिया जुलूस के अंदर कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था सब जगह विफल नजर आई है। तो ब्रिटेन में बात बिहार के भागलपुर की, जहां मंदिर पर पत्थरबाजी करने के मामले में बीजेपी नेता ने प्रदर्शन किया है। तो बिहार के भागलपुर में एक हिंदू मंदिर पर पत्थरबाजी की खबर के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई, जहां पत्थरबाजी में मंदिर के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि असामाजिक तत्वों की तरफ से बीजेपी नेता लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जहां बीते 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे के नेतृत्व में अनशन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता ने पथराव का आरोप मुहर्रम के ताजिया जुलूस में शामिल लोगों पर लगाया। बता दें कि यह मामला भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। यहां परबत्ती मोहल्ले में 30 जुलाई 2023 को ताजिया जुलूस निकाला गया। इस दौरान बीजेपी नेता रोहित पांडे का आरोप है कि इस जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने रास्ते में पड़ने वाली काली मंदिर पर पत्थरबाजी की। उन्होंने बताया कि मंदिर के मुख्य गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। बता दें कि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और हिंदू समाज के प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनात कर दी गई है। राशन सीधे हम लोग पहुँचाते हैं, ये तो अनवरत प्रक्रिया है, इसमें हम लोग दे रहे हैं। सभी आज भी बैठक हुई तो निर्देश दिया हुआ है कि एक भी जो गरीब लोग, वो हम लोगों को मुख्यमंत्री जी स्पष्ट निर्देश है डिपार्टमेंट को, हम लोगों को, कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो है वो भूखे नहीं सोए, सबका राशन कार्ड बने और राशन कार्ड मुहैया कराए। तो ये हम लोग इस काम में हमारे विभाग के डिपार्टमेंट के सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। तो ब्रिटेन में बात सासाराम की कर लेते हैं, जहां मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सासाराम में बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से कोई भी गरीब जनता भूखा नहीं सोएगी, इसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार गरीबों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली को काफी दुरुस्त किया गया है और जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार मदद भी कर रही है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए और उसके लिए समय पर अनाज मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। क्या जानकारी तरफ ये आपको बेलौन सिंहपुर में, ये आपको फिरोज की पत्नी है, आपका सदव जरीन, जिसकी एक बच्ची और बच्ची की उम्र 7 साल और एक बच्चा है जिसका उम्र 5 साल है। यह घटना रात्रि करीब 10-1 बजे का है, जिसे सूचना मिला हत्या हुई है। इस पर CI थाना अध्यक्ष सफलमारी बलिया बलोन सबके साथ हम आए, घटना से मना किए। जघन्य अपराध है, इस घटना का जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और हम लोगों का मांग है उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। इस इलाके में इस तरह का घटना हम लोग कभी देखे नहीं। ये घटना तो असहनीय घटना है, निंदनीय सब घटना है। ऐसी घटना का हम लोग कभी अपेक्षा नहीं करते इस इलाके में। हमारा समाज में जिस तरह का घटना हो रहा है, समाज बहुत खराब होता जा रहा है और यहाँ के समाज के लोगों को जगने की ज़रूरत है। कोई भी बाहरी आदमी और किसी एक गलत एक्टिविटी में अगर किसी को नजर आए तो ग्रामीणों का यह दायित्व होता है कि तुरंत ग्रामीणों को खबर करना चाहिए। क्या जानकारी की तरफ ये आपको बेलौन सिंहपुर में, ये आपको फिरोज की पत्नी है, आपका सदव जरीन, जिसकी एक बच्ची और बच्ची की उम्र 7 साल और एक बच्चा है जिसका उम्र 5 साल। यह घटना रात्रि करीब 10-1 बजे का है, जिसे सूचना मिला कि हत्या हुई है। इस पर CI थाना अध्यक्ष सफलमारी बलिया बलोन सबके साथ हम आए, घटना से मना किए। जघन्य अपराध है, इस घटना का जो हत्यारा है
उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और हम लोगों का मांग है उसको फांसी की सजा मिले। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एबीसी स्टार न्यूज़।